नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल तलना एवरीडे। तो इस हॉल में आज हम अराउंड वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे इसे यूज करके। ये है हिपहॉप का, इसे मैंने नायका से बाय किया था। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी जिससे कि आप यूज कर सके। मैंने सोचा इसका रिव्यू शेयर किया जाए क्योंकि मैं यूज करने जा रही हूँ, तो इसका मैं लाइव डेमो आपको शेयर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है या नहीं करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करें। इसके बारे में थोड़ा बता दे रही हूँ मैं आपको। ये है हिपहॉप की स्किन केयर नोज स्ट्रिप। ये चारकोल नोज स्ट्रिप है, ओके। इसमें 3 स्ट्रिप निकलेंगी। ये मुझे 88 की पड़ी। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि इस टाइम क्या प्राइस है। एंड यूज करने से पहले अगर आप चाहें तो स्टेप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने ये वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप बताई, तो इससे आपको कोई इश्यू नहीं होगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि 2 टाइप्स के आते हैं। एक आता है ये सिर्फ नोज के लिए है, एंड इसका जो दूसरा आता है वो फोरहेड्स एंड नोज एंड यहाँ चिन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप तीनों जगह यूज करते हैं, बट मैं इसी के बीच में 2 स्टिप बची हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का यूज करके मैं यहाँ के भी अपने रिमूव कर दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप में आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उसमें टॉवल डिप करके थोड़ा इस तरह से, जिससे कि आपके ओपन पोर्स ओपन हो जाए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, देखिएगा। जहां जहां के आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स सताने हैं वहां पर डिप करके ऐसे 1-2 मिनट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके ओपन पोर्स ओपन हो जाए। मैंने अच्छे से 2-3 मिनट स्टीम ले लिए यहाँ पर, जिससे कि मेरे ओट्स अच्छे से ओपन हो गए हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा से लगाने का। बेसिकली बता दूं इसमें 3 स्टेप आती हैं, मैंने एक यूज कर ली है, 2 बाकी है। तो मैंने सोचा ये बेसिकली नोज की है, तो मैंने कहा क्यों ना चिन पे भी एक बार यूज कर लिया, क्योंकि मेरे चिन पे भी बहुत सारे व्हाइट हेड्स है, ठीक है। तो इसे ओपन करना है। तो ये कुछ इस टाइप की होगी, ओके। आप इसे यूज करेंगे तो प्लीज आप थोड़ा सा वाटर लगा लीजिएगा। अगर थोड़ा भी वाटर नहीं लगा होगा तो ये ढंग से नहीं चिपकेगी और फिर आपके सही से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से रिमूव नहीं होंगे, ओके। मैं लगाने से पहले इसे थोड़ा सा वाटर लगा लेती हूँ, जिससे मैं सही से चिपक जाए और आराम से मेरे व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए। तो फर्स्टली ये ऐसे है, टाइप की होगी। हमें किस टाइप से चिपकाना है अपने नोज पे, ठीक है। आप चेक कर लीजिए कि किस तरह से आप चिपकाना चाहते हैं। जैसे कि इसमें बेबी रखा है, आप इस तरह से चिपका सकते हैं। ये वाला हिस्सा नीचे की साइड में मैं चिपकाती हूँ। सॉरी गाइज, मेरी वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो प्लीज आप इसे इग्नोर करके वीडियो एंजॉय कीजिएगा। सी देखिएगा, देखिए सही से चिपक गया है, आपको दिख रहा होगा ये, ओके। इसी तरह मैं यहाँ पर भी यूज कर लेती हूँ। यूज करने से पहले थोड़ा सा वाटर लगा ले, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम 10 मिनट्स का वेट करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे। सो 10 मिनट्स हो गए, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। प्लीज़ आराम से रिमूव कीजिएगा, क्योंकि इसे रिमूव करने में बहुत नहीं, थोड़ा सा दर्द होता है। प्लीज़ आराम से रिमूव करिए, प्लीज़। Look at this. मैं बैक कैमरा से इसका अभी रिव्यू शेयर कर दूंगी कि ब्लैक हेड्स रिमूव हुए हैं या नहीं हुए। एग्जैक्टली यार, मेरे सारे व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए। इसे छुटा के मैं बैक कैमरे से आपको शूट करके दिखाती हूँ। जस्ट 10 मिनट। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से रिमूव हुए हैं। मैंने सर्किल बना दिए हैं जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स शो हो रहे हैं। एंड इट्स रियली वर्किंग, रियली वर्क कर रहा है। अगर आप व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स रिमूव करना चाहते तो इसे यूज करिए, ओके। सो मैंने पूरा रिव्यू आपको सामने लाइव डेमो करके शूट करा है, तो मे भी आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा होगा अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो लोग न्यू हैं और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल रही हो। अगर यूजफुल रहेगी तो प्लीज थम्स अप। ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार वालों को ध्यान रखिए। बाय।